हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरेज टॉक्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे पर्सपेक्टिव की जिसको अगर हम लोग समझ जाएं तो वहां पे जो हमको दुख होता है, हम हर्ट होते हैं, हमको बुरा लगता है, वो नहीं लगेगा। और ये पर्सपेक्टिव क्या है कि हम लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि हर चीज हम पे डिपेंड करती है, हम उस चीज के हीरो हैं, कि हर चीज हमारे हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपने, क्योंकि हमारे लाइफ में हमसे इंपॉर्टेंट और कोई है नहीं, तो हम अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम एक बड़े यूनिवर्स का पार्ट है जहां पे डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट तरीके से वो लोग जीते हैं। तो कुछ चीजें होती है जो हमारे हिसाब से होती है, कुछ चीजें होती है जो उनके हिसाब से होती है। तो हमारे हिसाब से होने वाली चीजें बहुत कम होती हैं। बट क्या होता है, जब हम अपने दिमाग में ये बैठा के रखे हुए हैं कि मैं ये हूं, मेरे लिए ये होना चाहिए, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं बहुत अच्छा दिखने वाला आदमी हूं, या मैं इस पोजीशन का आदमी हूं, मेरे साथ इस तरह से कैसे कोई बिहेव कर सकता है, मुझसे इस तरह से कैसे कोई बात कर सकता है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटीज को पकड़ के बैठे हुए हैं कि मैं ये हूं। जबकि आपके ये होने से दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने कहानी के हीरो जरूर हो सकते हो, लेकिन हर कहानी के आप हीरो नहीं हो। हर कहानी अपने हिसाब से चल रही है। किसी कहानी में आप साइड में रहोगे जहां पे आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। बट जनरली हम क्या करते हैं, हमको हमेशा इंपॉर्टेंस चाहिए, हमारी बातों को हमेशा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, ये सोच के बैठे रहते हैं। तो जहां पर हम ये सोचते हैं, हम वहां पर गलती करते हैं। बिकॉज आप अपनी कहानी के हीरो हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की कहानी के भी हीरो हो। दूसरों की कहानी में आपको साइड लाइन लेना पड़ेगा, साइड में रहना पड़ेगा। दूसरे चाहते हैं उनकी कहानी में वो हीरो रहे। और हम जब ये समझ जाते हैं ना कि कुछ सिचुएशन में हमको पीछे हटके रहना चाहिए, दूसरे आदमी को आगे बढ़ते रहने देना चाहिए, तब हमारे लिए ईजी हो जाता है चीजों को डाइजेस्ट करना। अगर हम ये सोचेंगे कि हर चीज मेरे हिसाब से हो, हर चीज मेरे हिसाब से लोग सोचें करें, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हर चीज आप कंट्रोल कर पाओगे नहीं, और कंट्रोल नहीं कर पाओगे, चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, और आपने अपना ईगो इतना बढ़ा के रखा होगा कि मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, तो आपको बुरा लगेगा। तो बुरा ना लगे इसके लिए आपको ये सोचना है कि हर कहानी में आप हीरो नहीं हो, कुछ कहानियों में आप पीछे रहो, दूसरे को हीरो बनने दो और उसको एंजॉय करो। ये सोचना जरूरी है कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होगी। अगर चीजें दूसरों के हिसाब से भी हो रही है तो हमको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये सोच के कि दूसरों की लाइफ में उनके हिसाब से उनकी कहानी चल रही है जिसमें आप एक छोटा सा पार्ट प्ले कर रहे हो। और इस तरह से जब आप सोचते हो, इस तरह के पर्सपेक्टिव आप रखते हो, तो आपको चीजें बुरी नहीं लगती, लोगों के बिहेवियर बुरे नहीं लगते। बिकॉज आपको पता है कि एक समय आपका भी आएगा जहां पे आपके हिसाब से चीजें होंगी, तब वो लोग पीछे रहेंगे। आज उनके हिसाब से चीजें हो रही है तो आपको पीछे रहना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, स्टे फोकस्ड, क्योंकि जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। थैंक यू।